डॉक्टर के बारे में जानने वाले जिसने दुनिया की सबसे पहली लीवर ट्रांसप्लांट की खोज की, जो डॉक्टर कभी स्कूल नहीं गया, जिसने कभी एक शब्द भी इंग्लिश का नहीं पढ़ा, ऐसे डॉक्टर के बारे में हम लोग जानने वाले। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया की सबसे अग्रणी यूनिवर्सिटी जिसे कैप्टन मेडिकल यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उसने उस अनपढ़ डॉक्टर को मास्टर ऑफ मेडिसिन यह उपाधि से सम्मानित किया था। उस डॉक्टर का नाम है हैमिल्टन नाकी। हैमिल्टन नाकी ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे। साउथ अफ्रीका के छोटे से कस्बे में उनका जन्म हुआ। उनका जो पूरा परिवार था वो उस एरिया में चरवाहे का काम करता था, माने भेड़ बकरियों को चराने के लिए लेके जाते थे। एक दिन उनके पिताजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, कारणवश उन्हें केपटाउन लाया गया। केपटाउन लाने के बाद उनका उपचार किया गया और इस दौरान हैमिल्टन नाकी जो है वो केपटाउन में ही बस गए। उस टाइम में केपटाउन मेडिकल यूनिवर्सिटी के कंस्ट्रक्शन का काम चालू था। वहां पर उन्होंने कुछ वर्षों के लिए मजदूरी का काम किया और उनके काम को देखते हुए फिर उन्हें ग्राउंड मेंटेनेंस के काम को लगा दिया। अब उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। जब वो ग्राउंड मेंटेनेंस का काम कर रहे थे, उसी दौरान जिराफ पे ऑपरेशन करके कुछ शोध प्रक्रिया का काम शुरू था। एक दिन एक सर्जन जिराफ पे ऑपरेशन कर रहे थे, उसी दौरान जिराफ आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तब उन्होंने बाहर आके देखा तो वहां हैमिल्टन नाकी ग्राउंड मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। हैमिल्टन नाकी अच्छी पर्सनैलिटी थे, ऊंचे थे, तगड़े थे, कारणवश उन्होंने हैमिल्टन नाकी को वो जिराफ को पकड़ने के लिए बुलाया। जब हैमिल्टन नाकी को बुलाया गया तो उन्होंने निरंतर उस जिराफ को अपनी पूरी शक्ति लगा के पकड़ के रखा। इस दौरान जितने टाइम वो ऑपरेशन चालू था, उस दौरान उन डॉक्टरों ने अनेक अलग कारणों से ब्रेक लिया, चाय कॉफी के लिए ब्रेक लिया, लेकिन हैमिल्टन नाकी ने किसी भी प्रकार का ब्रेक नहीं लिया और उस जिराफ को वो पकड़ के दिन भर जब तक के ऑपरेशन चालू था वो टाइम तक के उसको पकड़ के वहीं पर खड़े रहे। हैमिल्टन नाकी के काम से सभी डॉक्टर्स प्रभावित थे। उन्हें ग्राउंड मेंटेनेंस के काम को छोड़ के लैब अटेंडेंस बनाया गया और जब कभी भी ऑपरेशन थिएटर में काम पड़ता वो उन्हें बुलाते थे। हैमिल्टन नाकी भी कभी काम के लिए मना नहीं करते। डॉक्टर जिस हिसाब से काम बोलते थे, जब भी आवाज देते थे, हैमिल्टन नाकी दौड़ के वो काम के लिए जाता था। अब क्या हुआ, 1958 में जब हार्ट ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू हुई, उस टाइम में भी हैमिल्टन नाकी को बुलाया गया। ऑपरेशन थिएटर में हैमिल्टन नाकी का एक महत्वपूर्ण रोल था। ऑपरेशन होने के बाद वो टाके लगाने का काम करता था और उस दौरान वो इतना होशियार हो गया था, इतना उन्होंने पढ़ लिया था कि बहुत सफाई से टाके लगाते थे। जब उसके काम को देखा गया तो सभी डॉक्टर अचंभित रह गए और अचंभित रहने की वजह से फिर उन्हें वहां पढ़ाने का काम भी दिया गया। वो जो नए डॉक्टर से उन्हें टाके लगाने का काम पढ़ाते थे, माने याद कर लीजिए कि जिस डॉक्टर ने कभी स्कूल नहीं गया, जिसे अंग्रेजी का एक शब्द भी पढ़ना नहीं आता था, उनके काम की वजह से उसमें जो एक्सपर्टीज आ गई, उस एक्सपर्टीज से प्रभावित होकर उन्हें पढ़ाने का काम भी मिल गया। और एक चीज है कि 30,000 से भी ज्यादा डॉक्टर्स को उन्होंने उस दौरान पढ़ाया। 50 साल उन्होंने नौकरी करी, लेकिन 50 साल में कभी भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली थी। केपटाउन मेडिकल यूनिवर्सिटी में उन्होंने कम से कम 50 साल के दौरान कई ऑपरेशंस किए और सबसे बड़ी बात यह है कि लीवर ट्रांसप्लांट की जो शस्त्रक्रिया है, लीवर ट्रांसप्लांट का जो ऑपरेशन है वो उनकी देन है। लीवर ट्रांसप्लांट पे जो उन्होंने काम किया वो दुनिया की सबसे पहली खोज है जिन्होंने उसके ऊपर काम किया था। लीवर ट्रांसप्लांट करने की जो प्रक्रिया थी उसके ऊपर काम करने का जो काम है वो हैमिल्टन नाकी ने किया था, इसलिए विश्व में आज उनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि किसी भी काम के पीछे ना दौड़ते हुए जो काम हमें मिला है उस काम को हम लोग कैसे अंजाम दे सकते हैं उस पर ऊपर निर्भर करता है कि हमें जीवन में क्या बनना है।
हैमिल्टन नाकी का जीवन अगर देखेंगे, वो कभी स्कूल नहीं गए, उन्हें एक सारा वर्ड भी पढ़ते नहीं आता था। उनके जीवन की शुरुआत मजदूरी से हुई, फिर बाद में ग्राउंड मेंटेनेंस का काम लिया, और काम करने के बाद में जब उन्हें दूसरे काम के लिए बुलाया गया तो उन्होंने कभी भी काम के लिए मना नहीं किया और उस काम में वो इंटरेस्ट करने लगे, करते करते देखने लगे, देखते देखते वो सीखते गए और सीखते सीखते वो अपने काम में इतने एक्सपर्ट हो गए कि उस काम को सिखाने की जवाबदारी उनके ऊपर में दी गई। उसको एक्सपर्ट बना लेंगे तो जीवन में हम लोग सफलता हासिल कर सकते हैं, ऐसी सीख हम लोग